गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग मेक ए बिल। जब हम कोई चीज शॉपकीपर से खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमें क्या देता है, बिल बना के देता है। उसमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने कौन सी चीज खरीदी, कितनी खरीदी और किस रेट पे खरीदी। सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। 5 kg ऑफ राइस, 2 kg ऑफ मूंग दाल, 1 kg ऑफ शुगर एंड 1 kg राइस ऑफ कॉस्ट 45 rupees, 1 kg ऑफ मूंग दाल कॉस्ट इज ₹35.50 एंड 1 kg ऑफ शुगर ऑफ कॉस्ट ₹18.20। यानी हमने क्या क्या खरीदा, राइस, मूंग दाल एंड शुगर। राइस 5 kg, 2 kg मूंग दाल एंड 1 kg शुगर। अब 1 kg राइस की कॉस्ट क्या है, 45 rupees, 1 kg मूंग दाल की है ₹35.50 और 1 kg इसकी कितनी है शुगर की, ₹18.20। सी द सॉल्यूशन। इसमें हमारे 4 कॉलम बनते हैं जिसमें फर्स्ट में आइटम, सेकंड में क्वांटिटी, देन रेट इन रुपीज में एंड अमाउंट, टोटल जो अमाउंट आता है। अब हमने आइटम्स कौन कौन से खरीदे, राइस, मूंग दाल एंड शुगर। क्वांटिटी कितनी है उसकी, 5 kg, 2 kg एंड 1 kg। ये हमारी पर केजी के हिसाब से रेट दी हुई है। यानी शुगर राइस है 1 kg ₹45 का, शुगर मूंग दाल है ₹35.50 की एंड शुगर है ₹18.50 की। अब 5 kg राइस कितने के होंगे, तो 45 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ₹225। 35 rupees and 50 paise को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg की दे रखी है, हमें 2 kg की निकालनी है। तो 2 0 0, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 5 10 एंड 1 11 का 1 कैरी 1, 2 3 6 एंड 1 7 यानी कि ₹71। एंड शुगर की क्या हो गई आपकी, क्या हो गई शुगर की, 1 kg शुगर की ली है हमने, 1 kg रेट हमारी क्या, ₹18.50। तो हमने कर दिया। अब टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा, 0 0 8 by 5 5 5 8 by 1 6 6 8 by 8 14 का 4 कैरी 1, 1 8 by 2 3 3 8 by 7 10 10 8 by 1 11 का 1 कैरी 1 एंड 2 8 by 1 3 यानी ₹314.50 हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। Then see the second question is 5 notebooks, 6 pencil, 2 eraser and 1 pen। यानी कि हमने स्टेशनरी में क्या खरीदा है, नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर एंड पेन। 1 notebook की कीमत क्या है हमारी, ₹13.25। 1 pencil की कॉस्ट कितनी है, ₹6। 1 eraser कॉस्ट है ₹3.50 और 1 pen की कॉस्ट कितनी है, ₹15.25। सी द सॉल्यूशन। तो हमारी वही टेबल में क्या आएगा, सबसे पहले आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। हमने खरीदा क्या क्या आइटम, फिर नोटबुक, पेंसिल्स, इरेजर एंड पेन। क्वांटिटी में नोटबुक 5, पेंसिल्स 4, इरेजर 2 एंड पेंसिल पेन 1। अब एक नोटबुक की कीमत हमारी क्या थी, ₹13.25। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 2 10 एंड 2 12 का 2 कैरी 1, 5 3 15 एंड 6 16 कैरी 1, 5 1 5 एंड 1 6 यानी ₹66.25 क्या हो जाएगी हमारी नोटबुक की कीमत। पेंसिल्स लिए हमने 4, ₹6 की 1 pencil है तो 4 pencil कितने की होगी, ₹24 की। इरेजर है ₹3.15 का, 50 paise का, तो 2 eraser कितने होंगे, 2 0 0, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 3 6 एंड 7 यानी कि ₹7 का। एक पेन लिया है हमने, उसकी कीमत कितनी है, ₹15.25, तो ₹15.25। टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा स्टेशनरी वाले को, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 2 8 by 2 1 5, 2 8 by 2 4 एंड कैरी का 1 5 ठीक है, 6 8 by 4 10 17 17 एंड 5 22 का 2 कैरी 1, 6 and 1 7 8 9 एंड देन सॉरी 2 भाई 22 आया ना आपके, 22 का 2 कैरी 2, 8 9 10 एंड 1 11 यानी कि उसे कितना पे करना पड़ेगा हमें, ₹112.50। एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस लिस्ट ऑफ सम आइटम्स ऑफ डिस्प्ले। ये जैसे व्हीट फ्लोर है यानी कि गेहूं के आटे की कीमत है 1 kg ₹15 की, मस्टर्ड ऑयल है 1 liter का, 1 liter कितने का है ₹62.50 का, बटर है 500 ग्राम ₹56 का एंड सोप केक है हमारा 1 piece ₹14 का। अब हमें इन दो के क्या बनाने, बिल बनाने। फर्स्ट बिल बनना है जिसके अंदर व्हीट है, मस्टर्ड ऑयल है, 100 ग्राम बटर है और 2 सोप केक है, क्लियर।
और सेकंड बिल हमें क्या बनाना है, जिसमें वीट है, मस्टर्ड ऑयल है, 500 ग्राम बटर है। अब इसमें 500 का दे रखा है तो 100 ग्राम कितने का आएगा हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे 500 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो आएगा वो हमारा 100 ग्राम का क्या निकल जाएगा, अब तो आपका क्या आएगा 52 यानी कि 12 रुपीज एंड 15 पैसा आपका कुछ क्या आएगा बटर 100 ग्राम्स का आएगा। क्लियर? तो डू एक्सरसाइज 5 इन योर नोटबुक। थैंक यू।